कोई चोट फेट लग जाए तो वो दुख माँ बाप को होता है, बच्चों को कम होता है, माँ बाप को ज्यादा होता है। वो तो खड्डे में गिर जाए जी तो भैया चारों तरफा पेड़ है, लगेगी लगेगी। भाई जूते हुए हैं वो काट दिया था। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, राम राम जी। तो भाइयों आपके सामने कुलविंदर सिंह धालीवाल जी का देख सको आप सरकारी झोटा खड़ा है भाई, स्वराज 855 FE 4-स्टार ट्रैक्टर। तो भाई आज सेवा करने लग रहे हैं धालीवाल साहब। भाई सेवा किस चीज़ की वो मैं दिखाऊंगा। देखो मिट्टी भरने लग रहे भाई ट्राली में। तो भाई इनसे पूरी बातचीत करेंगे, कहाँ सेवा कर रहे हैं, मिट्टी की क्या बात होगी, जो आज इन्होंने भाई सुबह अपना फावड़ा तान दिया। तो भाई पूरी बातचीत करेंगे इनसे। तो जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कमेंट और आगे भाई शेयर भी कर दियो। तो भाई यो देखो मैं पहले एक नज़र धालीवाल साहब जी पे लगवा दूं। यो देखो, यो देख लो, ए ए बेटे फावड़ा भाई फैफा करता हुआ चल रहा। देखो सबसे ऊंचा फावड़ा है बराबर भाई रामदास भाई हैं, मुझे देखे इनके तो सत्तू हो लिए खत्म। तो धालीवाल साहब जी से पूछेंगे भाई यो मिट्टी लेके कहाँ जा रहे। धालीवाल साहब राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या हाल चाल है धालीवाल साहब? बहुत अच्छे जी, आओ सुनाओ। आज एक काम करो, आज वीडियो में अपना एक बार ना, हाँ जी, पूरा अपना नाम गांव का नाम सारा बोल दो, आज मन कर रहा सुनने को। अच्छा जी, अच्छा। नाम है जी कुलविंदर सिंह धालीवाल जी, ग्राम जोड़ी, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी 12। बहुत बढ़िया धालीवाल साहब। हाँ जी। तो धालीवाल साहब मुझे बताओ आप, हाँ जी, आज क्या करने लग रहे हो? बहुत दिन से सोच रहे थे एक बात, हमारा जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है, मतलब थोड़ा सा तकरीबन 800 मीटर के करीब। हाँ, जो घर को चकरोड़ गई है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो सारे एरिया के बच्चे छोटे छोटे हैं, वो पढ़ रहे, स्कूल की बहन आती है। बिल्कुल आती है जी। ठीक है जी। एक दिन हम आ रहे थे पीछे बाइक लिए हुए, सुबह का टाइम, बहन इधर से जा रही थी, क्योंकि तुम्हें भी पता बहन वालों को जल्दी होती है, सारे बच्चे उठाने होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही बहन जा रही थी तो बहन खड्डे में गिरी, डिसबैलेंस होगी। अच्छा। तो जो मेरे भाई हैं पलविंदर सिंह धालीवाल और जी, हमने दोनों ने ये बात सोची, भाई देखो अगर कोई ऐसा ना करे, कोई डिसबैलेंस ही हो जाती जी, या किसी पेड़े में लगती बहन, तो बच्चों के बहुत चोट लगती। पक्की बात है, बिल्कुल। ठीक है जी। हमारे सारे एरिया के बच्चे पढ़ रहे हैं जी। तो हमने इस बारे में सोचा कि भाई देखो ना, हमारे एरिया वाले कोई गौर कर रहे जी, हमने कहा भी खुद ही सेवा करें। भाई वाह धालीवाल साहब। ठीक है जी। हमारे मित्र संदीप सिंह बैनीपाल साहब बेचारे स्पेशल आए, इसलिए जो हमारे किसान देवता जी हैं, स्पेशल पंजाब से आए, इसीलिए जी हमने एक बार फोन करा, भैया आओ, 350 किलोमीटर से बाइक पे एकदम तुरंत आए कि भाई सेवा जरूर करनी है चक्रोड़ की। जी धालीवाल साहब, वो तो आपका बड़प्पन है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्यार था हमारे बड़े भैया, जरूर आए। और जी अब हम ये भैया हैं जो हमारे एरिया के रामदास भाई जी, तो हमने जब कोई आया नहीं, हमने चारों जनों ने खुद ही स्टैंड लिया, एक हमारे संदीप सिंह बैनीपाल जी और एक हमारा रामदास भाई जी, दो हम भाई हैं जी। ठीक है जी। तो खुद ही स्टैंड लिया भाई कि बच्चों को कोई ऐसा कोई वो ना हो। अच्छा, दूसरी बात, रोड में खड्डे इतने हो रहे हैं कि बहुत सा अनजान व्यक्ति भी यहाँ पे आ जाता है बाइक लेके। बिल्कुल। मान लो कोई व्यापारी भी आ जाता है, कोई भी आ जाता है। जी 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 जी। भगवान ना करे कोई रात का टाइम हो, बाइक भगाई हो बहुत ज्यादा, वो खड्डे में गिर जाए जी, तो भैया चारों तरफा पेड़ है, लगेगी लगेगी बात। पक्की बात है। ठीक है। नहीं तो इस वजह से चोट तो लगनी पक्की है जी। तो इस वजह से हमने कहा भाई चलो जब कोई नहीं साथ दे रहा तो हम खुद ही करें इस काम को। तो भाइयों काफी भाई ये भी सोचेंगे भाई हम इस चीज का मतलब वीडियो डाल के कोई दिखावा नहीं कर रहे किसी के सामने। मैं आपसे सहमत हूँ जी, जी जी, आपकी बातों में सच्चाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाइयों आपको धालीवाल साहब से देखो इनकी बातों से सीख मिल रही है कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हाँ जी। है ना। अगर सपोज करो देखो चलो बच्चों की यहाँ वैन आती है, जी जी, अगर बाई चांस भगवान ना करे है ना कोई हादसा हो जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें, तो आपको पता ही है कि है ना बहुत ज्यादा नुकसान होगा इस तरीके से। तो सोचा करो इस चीज को देख के आप। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बिल्कुल। फिर मैं कहूंगा दिखावे वाली इसमें कोई बात नहीं, नहीं है। दिखावा। हाँ जी। देखो आज तक कभी कराई नहीं, ना कभी करना है। बिल्कुल। दूसरी बात, हमने एरिया वालों को ये भी कहा था कि देखो डीजल ट्रैक्टर सारा ट्रोली हमारी होगी जी, सिर्फ आपको भरवा के उतरवानी है, जहाँ जहाँ भी खड्डे हैं वो भरने हैं, जंदरा भी है, उसके बाद में हमने टिकरोड पे खुद ही लगाना है जी। लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी, बंदे सारे सुबह 1-2 घंटे वेट करके चले गए, आए नहीं। फिर ये भैया मिले रामदास भाई, इन्हीं के खेत में से मिट्टी उठा रहे हैं रामदास जी, जी जी रामदास भाई के। हाँ जी, हाँ जी, जी। इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। बेचारे खुद काम भी करवा रहे साथ में। जी बिल्कुल। ठीक बिल्कुल, है जी। बिल्कुल। अपना चक तो आपने देखा कोई भी खाली है नहीं, नहीं सही बात है, सारे फसल खड़ी। इस वजह से देखो भैया जी
करने से बड़ा करवाने वाला होता है। पक्की बात है धालीवाल साहब, कोई भी योगदान है करवाने वाला अगर मशवरा देगा या साथ चलेगा जब ही होगा वो। बिल्कुल जी बिल्कुल धालीवाल साहब जी। अब मान के चलो भी योगदान, देखो एक इंसान 350 किलोमीटर से आ रहा है, एक इंसान पड़ोसी नहीं चल रहा है जो 100 मीटर के दायरे में रह रहा है, जी तो देखो उनकी सोच में और उनकी सोच में कितना फर्क है। जी जी चलो कोई नहीं धालीवाल साहब, हाँ सबकी सोच से भाई हम एक मैसेज सब भाइयों को देना चाह रहे, भाइयों ये कोई बनावटी या दिखावटी या कोई कह लो राजनीति कोई ऐसा कोई वीडियो का मतलब नहीं है, सिर्फ एक ये एक लोगों के लिए मैसेज है जागरूकता करने के लिए। बिल्कुल 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 ठीक है, नहीं सही क्योंकि बात है, बड़े बुजुर्ग हैं या मान लो आपकी उम्र में हमारी उम्र में ये तो बंदे बहुत सोच समझ के चलते हैं, बच्चों को बेचारों को इतना ज्ञान नहीं है, कोई चोट फेट लग जाए तो वो दुख माँ बाप को होता है, बच्चों को कम होता है, माँ बाप को ज्यादा होता है। सही बात है जी, ये बात बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने एक संदेश दिया है। जी, जी, तो भाइयों है ना आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट भी करके बताइए, और एक चीज और बताऊंगा मजा भी देंगे वीडियो में, ऐसी बात नहीं, जोर भी दिखाएंगे ट्रैक्टर का पूरी, अब हम चोटी मार पूरी ट्राली भरेंगे ये, क्योंकि इसे दबा दबा के भरेंगे चोरी करके, हाँ बिल्कुल पूरी ऊपर तक बढ़े, क्योंकि इसे दबा दबा के भरेंगे चोरी करके, हाँ बिल्कुल पूरी ऊपर तक बढ़ेंगे। तो हमने पहले भी एक बार इसमें भर के लेके आए थे, भिक्की न रहने से मिट्टी भर के लेके आए थे, हमें मजाक मजाक में कांटा करवा लिया तो पूरी 110 क्विंटल मिट्टी हुई, पूरी ठोक के भरी थी वो मिट्टी भाई। बाकी देखते हैं रेता भी थोड़ा सा हल्का होता है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं धालीवाल साहब ये तो मुझे पूरा विश्वास होगा, जहां आप भरो वहां ठोक के भरो। हाँ जी ये तो मुझे भी पता। दूसरी बात जिसमें को निकाल रहे हैं ये गारे वाला खेत है बिल्कुल, जिसमें आपने देखा रामदास भाई का ट्रैक्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गारा है, इसमें को देखते हैं निकालते भाई निकल पाता या नहीं निकल पाता, मूंजी कटी हुई है खेत जी। धालीवाल साहब ऐसे कौन से गियर में काटोगे यहाँ से आप? देखो जी लोड ट्राली है, तीसरे की लो में ही निकलेगी, तीसरे की लो में जी, टॉप की लो में भी निकल जाएगी, पर वो थोड़ा गिल्ला खेत है। जी 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 बाकी ट्रैक्टर पूरा भरपूर मजा दे रहा है। जी बिल्कुल टेंच है, अब तुम्हें पता जी साधन तो अपना टेंच ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल धालीवाल साहब सही बात है, चलो ठीक है धालीवाल साहब। तो भाइयों आप लास्ट तक वीडियो में देखियो, बस अब अपना काम निपटा के फिर निकालेंगे इसके बाद। तो भाइयों ये देखो आप जो इंसानों के दिल में प्यार होता है वो देखो, खुद बैनीपाल साहब यानी कि हमारे किसान देवता साहब खुद आए हैं ये सेवा करवाने के लिए। ये देखो आप खुद मेहनत कर रहे हैं, ये इन्होंने कभी बेचारों ने अपने खेत में कभी फावड़ा चलाया हो या ना चलाया हो, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा तगड़ा योगदान है इनका, ठीक है जी। अरे ऐसी सेवा हर किसी को सोचनी चाहिए। चलो जी धालीवाल साहब, तो भाई अब चलेंगे मारेंगे सल्फ, सुनियो रड़ाक, ए बेटे रड़ाके ही मार रहा भाई, 855 सरकारी झोटा ले भाई, मत्था टेक लिया धालीवाल साहब ने, तीसरे की लो में काटेंगे भाई बेटे, कमाल कर दी भाई कमाल, धालीवाल साहब कमाल कर दी। तो भाई लेके चलेंगे अब चक्रोड में जो खड्डे हैं वो चल के भरेंगे सारे। भाई जूते हुए मेरे को काट दिया धालीवाल साहब ने। भाई कमाल कर दिया भाई कमाल, धालीवाल साहब ने खेत भी गिल्ला है भाई बहुत ही। यो देखो भाई यो समाज सेवा चलने लग रही है भाई। तो भाई खड्डे होते देखो तगड़े तगड़े वाले, मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। तो भाई फिर कहोगे नुका भाई पता नहीं वैसी फोक के पैंतरे मार गए। तो ये देख सको भाई आप, धालीवाल साहब खुद योगदान करने लग रहे हैं अपने हाथ से भाई, पसीने पसीने हो लिए धालीवाल साहब, पर यूं कहने लगे नहीं बिल्कुल टेंशन फ्री करके चलेंगे भाई। देखो जी सबके भले में ही भला, पक्की बात है धालीवाल साहब।